प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यूज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम्स, लिमिट कंटिन्यूटी एंड टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल। सो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। सो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू के, ये लिमिट की वैल्यू के है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, राइट? अगर इस f का लिमिट k है, देन सही कंडीशन होगी, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, सच दैट 0 लेस देन अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ f ऑफ x कॉमा y माइनस k लेस देन एप्सिलॉन, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन c, और ये है लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। और इस कंडीशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, राइट? इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, देन, तो ये सेम है जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कंडीशन क्या थी, 0 लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई माइनस के लेस देन एप्सिलॉन। अब इस क्वेश्चन में a कॉमा बी रिप्लेस हो गया 0,0 से, सो a इक्वल्स टू 0 आएगा, b इक्वल्स टू भी 0, एंड लिमिट की वैल्यू k से यहां पर 0 है, सो k भी हमें 0 लेना है, राइट? तो ये फॉर्मूले में हमें a, b और k को 0 रखना है, तो कंडीशन आएगी 0 लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन एप्सिलॉन, राइट? ये के की वैल्यू 0 हो गई, सो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई, ऑप्शन ए है, डज नॉट एग्जिस्ट इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, एग्जिस्ट इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट इज फाइनाइट अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। ओवरऑल यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट है तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है? मतलब अगर लिमिट की वैल्यू डिफरेंट पाथ में डिफरेंट आ रही है तो वो लिमिट पाथ डिपेंडेंट है और उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, तब लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। वैल्यू ऑफ द लिमिट, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 1,2 एक्स क्यूब प्लस 3y इज, तो यहां पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, x को सिंपली रिप्लेस कर देंगे 1 से एंड y को रिप्लेस कर देंगे 2 से, सो यहां पर है x क्यूब प्लस 3y, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, 1 क्यूब 3 एंड y 2 है, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 दैट इज 7, सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। लेट f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू y साइन 1/x प्लस x साइन 1/y, x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0,0, देन लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 f ऑफ x कॉमा वाई इज, हमें चेक करना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1 और नन। सो लेट अस सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड इक्वल टू 0 होगी, तो उस सिचुएशन में इसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है? तो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा आज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस के लेस देन एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। अब बहुत ही सिंपल है, यहां पर किस पॉइंट पर लिमिट चेक करना है, 0,0 पर, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 होगी और बी भी क्या होगा, 0 होगा, राइट? तो इस फॉर्मूले में ए को 0 रखना है, बी को भी 0 रखना है। नाउ के मतलब क्या, तो के होगा लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट की वैल्यू हमने 0 एज्यूम की है, तो के भी लेना पड़ेगा 0, राइट? तो इस फॉर्मूले में हम ए 0, बी 0 एंड के को 0 रखेंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन डेल्टा, मॉड वाई लेस देन डेल्टा, एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस के हो जाएगा 0 लेस देन एप्सिलॉन, राइट?
तो अब इसमें से हम इस कंडीशन को एज्यूम करेंगे और इस कंडीशन को प्रूफ करेंगे। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको एज्यूम करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो, राइट। तो अगर हम इसको एज्यूम करें और इसको प्रूफ करें, सो ये कंसिडर करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस जीरो इक्वल टू मॉड ऑफ, नाउ एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, y साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स साइन 1 बाय वाई, माइनस जीरो नहीं लिखेंगे, राइट। सो अब ये मॉड को अगर हम सेपरेट करें तो कुछ इस तरह आएगा, लेस और इक्वल टू मॉड y मॉड साइन 1 बाय एक्स प्लस मॉड एक्स एंड मॉड साइन 1 बाय वाई, राइट। नाउ मॉड ऑफ साइन थीटा, ये ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 होगा। अब थीटा को आप x से रिप्लेस करो या 1 बाय एक्स से रिप्लेस करो, 1 बाय वाई से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1, ओके। सो मॉड साइन 1 बाय एक्स को हम 1 लिखेंगे एंड मॉड साइन 1 बाय वाई को भी 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह हो जाएगी, मॉड वाई प्लस मॉड एक्स। नाउ मॉड वाई को रिप्लेस करेंगे हम डेल्टा से, यहां पर है, और मॉड एक्स को भी डेल्टा से रिप्लेस करेंगे, तो कुछ इस तरह आ जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा। सो यहां से हम लिखेंगे लेस देन 2 डेल्टा, डेल्टा को चूज करेंगे एप्सिलॉन बाय 2, सो ये हो जाएगा लेस देन 2 एप्सिलॉन बाय 2, 2 2 कैंसिल, सो लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने प्रूव किया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, ऑल राइट। तो ये हमने एज्यूम किया था ये कंडीशन और इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस लिमिट की वैल्यू आएगी जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो। लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, देन ये लिमिट की वैल्यू पूछी हुई है, चेक करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस तरह की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी दो पाथ चूज करेंगे और आपको ये शो करना पड़ेगा कि दोनों पाथ के अलांग जो लिमिट की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है, राइट। सो पाथ क्या लेना है, तो यहां पर आपको पहला पाथ चूज करना है अलोंग x इक्वल टू जीरो। अगर आप अलोंग x इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो एफ ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो, और यहां पर आपको x को जीरो से रिप्लेस करना है, तो यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, x को जीरो से रिप्लेस किया, नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहां आ जाएगा लिमिट, अब इस एक्सप्रेशन में x नहीं है तो हम लिखेंगे y टेंड्स टू जीरो एंड y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये 1 हो गया, राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमने अलोंग x इक्वल्स टू जीरो कैलकुलेट किया तो लिमिट की वैल्यू आ गई है 1। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो वहां पर आपको 60 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 60 मिनट में 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे, राइट। लेकिन फिर भी ये सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है क्योंकि इस तरह से कहीं से भी बीच से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, अलोंग x इक्वल टू जीरो लिमिट को कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू आई है 1, राइट। अब एक दूसरा पाथ चूज करते हैं और उसके अलोंग हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। सो दूसरा पाथ हमने लिया y इक्वल टू जीरो, सो इस पाथ के अलोंग लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अब यहां पर लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो जीरो, वाई को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एंड यहां पर आएगा वाई टेंड्स टू जीरो और ये होगा माइनस वन, तो ये लिमिट की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, राइट। तो हमने पाथ x इक्वल टू जीरो के अलाउंग कैलकुलेट किया, लिमिट की वैल्यू 1 आई, पाथ x इक्वल टू या y इक्वल टू जीरो के अलाउंग कैलकुलेट किया तो लिमिट की वैल्यू माइनस वन आई। दोनों पाथ के अलाउंग लिमिट की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब ये जो लिमिट है ये पाथ डिपेंडेंट है। ये लिमिट क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, डज नॉट एग्जिस्ट। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस, ये फंक्शन गिवन है,
हमें चेक करना है लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो अगेन आपको दो डिफरेंट पाथ चूज करना है और ये प्रूफ करना है कि दोनों डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, फिर हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो पहला पाथ आप ले सकते हो x इक्वल्स टू 0। अब अगर x इक्वल्स टू 0 के अलॉन्ग कैलकुलेट करेंगे, सो लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, यहां पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होना चाहिए, राइट। सो एक्स को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर न्यूमरेटर में एक्स है, सो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0, 0 न्यूमरेटर में एक्स है, इसको जीरो से रिप्लेस करेंगे जीरो आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स को जीरो से रिप्लेस करेंगे प्लस वाई स्क्वायर। सो अभी इस एक्सप्रेशन में एक्स नहीं है तो लिखेंगे लिमिट वाई टेंड्स टू 0 एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो इस लिमिट की वैल्यू 0 आएगी। सो x इक्वल्स टू 0 के अलॉन्ग लिमिट की वैल्यू है 0। अब एक और पाथ चूज करते हैं, सपोज x इक्वल्स टू y के अलॉन्ग कैलकुलेट करें, सो इस केस में लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0, 0 एफ ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0, 0 अब x को y से रिप्लेस करेंगे सो न्यूमरेटर हो जाएगा y इंटू y, दैट इज y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी x को y से रिप्लेस, सो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ लिमिट, अभी इस एक्सप्रेशन में x नहीं है, सिर्फ y के लिए लिमिट रखेंगे, y टेंड्स टू 0 एंड y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, तो इसको कैंसिल करेंगे आएगा आंसर 1/2, राइट। तो हमने x इक्वल्स टू 0 के अलॉन्ग कैलकुलेट किया तो उस केस में लिमिट की वैल्यू 0 आ रही थी, और x इक्वल्स टू y के अलॉन्ग कैलकुलेट किया तो इस केस में लिमिट की वैल्यू 1/2 आ रही है, राइट। तो ये लिमिट डिफरेंट पाथ में डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब लिमिट पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो सही ऑप्शन आएगा डज नॉट एग्जिस्ट एंड पाथ डिपेंडेंट, सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी आर राइट। Let f of x comma y equals to this, then value of limit x comma y tends to 0, 0 f of x comma y along y equals to x square. तो ये limit हमें calculate करना है और path यहाँ पर given है y equals to x square, right? So limit x comma y tends to 0, 0 f of x y equals to limit y को हमें x स्क्वायर रखना है, तो y वाली टर्म यहां पर नहीं होंगी, सभी टर्म x में होंगी, सो हम सिर्फ x के लिए लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ इस y को x स्क्वायर रखेंगे एंड ब्रैकेट में भी y स्क्वायर है, y को x स्क्वायर रखेंगे, सो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है तो x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस y को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर से, सो x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहां पर, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 और यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 एज इट इज, ये ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो ब्रैकेट से भी यहां एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एक्स टू द पावर 4 प्लस यहां एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ x टू द पावर 4 यहां पर कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर एज इट इज x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 कॉमन, सो 1 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। नाउ ये x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 4 कैंसिल और x को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर न्यूमरेटर में आएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर x को 0 रखेंगे सो 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1
सो फाइनल आंसर आएगा 1/2. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. लेट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 1,1, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 3, देन वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 1,1, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अलॉन्ग द पाथ एक्स इक्वल्स टू वाई टू द पावर 4. अब ये लिमिट की वैल्यू यहां पर क्लियर है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या है, 3 है. इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है. तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यहां पर वैल्यू 3 है, देखो वैल्यू 3 गिवन है, इसका मतलब यही है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू कितनी है, 3 है. अब इस लिमिट की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब अब आप कोई भी पाथ चूज करो, इस लिमिट की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 3 होगी, राइट. तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, तो ये डबल लिमिट है, क्वेश्चन में गिवन है, डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट. देन तो इन्हें हम आइट्रेटेड लिमिट्स बोलते हैं, राइट. तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आइट्रेटेड लिमिट्स का क्या होगा, तो ध्यान रखना है अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों आइट्रेटेड लिमिट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. यहां पर आइट्रेटेड लिमिट से क्या मतलब है, पहले हमें y टेंड्स टू b लेना है, देन y टेंड्स x टेंड्स टू a लेना है, और इस तरफ पहले x टेंड्स टू a लेना है, देन y टेंड्स टू b लेना है, राइट. तो अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आइट्रेटेड लिमिट्स ऑलवेज इक्वल होगी. सो ऑप्शन c यहां पर राइट होगा. इफ लिमिट x टेंड्स टू a लिमिट y टेंड्स टू b f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू b लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ एक्स वाई, देन तो यहां पर गिवन है आइट्रेटेड लिमिट्स इक्वल हैं, तो डबल लिमिट के बारे में पूछा जा रहा है. अब आइट्रेटेड लिमिट्स अगर इक्वल हैं तो ध्यान रखना है डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, राइट. तो सही आंसर आएगा मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी. इफ लिमिट दिस नॉट इक्वल टू दिस, तो इस क्वेश्चन में डबल लिमिट इक्वल नहीं है, तो सॉरी आइट्रेटेड लिमिट्स इक्वल नहीं है, तो डबल लिमिट का क्या होगा. तो अगर आइट्रेटेड लिमिट्स इक्वल नहीं है तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो डबल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट. तो सही ऑप्शन आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है. ओवरऑल कहानी यहां पर कुछ इस तरह से है, अगर सपोज डबल लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आइट्रेटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी इस डबल लिमिट के, राइट. और अगर सपोज आइट्रेटेड लिमिट इक्वल है तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन अगर आइट्रेटेड लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये ध्यान रखना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहां पर फंक्शन है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, हमें चेक करना है कि इसकी जो आइट्रेटेड लिमिट्स हैं वो इक्वल होंगी या फिर नहीं होंगी. तो पहले हम इस लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट y टेंड्स टू जीरो, पहले इसमें y को जीरो लेना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसमें y को जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ जीरो अपॉन x, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, नाउ जीरो बाय x इज जीरो, सो tan इनवर्स जीरो होगा और tan इनवर्स जीरो की वैल्यू होगी जीरो, राइट. तो इस लिमिट को हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ चुकी है जीरो, क्लियर है, ये है जीरो. अब इस पार्ट को भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें लिमिट y टेंड्स टू जीरो लिमिट x टेंड्स टू जीरो tan इनवर्स y बाय x, यहां पर फर्क समझ में आया, पहले x टेंड्स टू जीरो है इस तरफ और इसमें पहले y टेंड्स टू जीरो है, राइट. सो x को हम जीरो रखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू जीरो x को जीरो रखेंगे, सो tan इनवर्स y अपॉन जीरो, नाउ लिमिट y टेंड्स टू जीरो tan इनवर्स, नाउ एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, सो लिमिट y टेंड्स टू जीरो एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय टू, सो इस लिमिट की वैल्यू आएगी क्या, पाई बाय टू. तो इस तरफ है पाई बाय टू, इस तरफ जीरो है, इस तरफ पाई बाय टू है, मतलब ये ग्रेटर होगा. सो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, ये जीरो है और ये पाई बाय टू है, तो इस तरफ ग्रेटर आएगा. लेट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एल, देन वैल्यू ऑफ द आइट्रेटेड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वाई टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स वाई. तो बहुत ही आसान है, डबल लिमिट की वैल्यू एल है, तो इसका मतलब आइट्रेटेड लिमिट की वैल्यू भी एल होगी और दोनों आइट्रेटेड लिमिट इक्वल भी होंगी, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इज इक्वल टू एल.
इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए कॉमा बी देन, सो फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट ए कॉमा बी पर. सो कंटिन्यूटी का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहां पर पूछा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. यहां पर एप्सिलॉन आएगा, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा मॉड ऑफ y minus b less than delta and this implies mod of f of x comma y minus f of a comma b less than epsilon. तो ध्यान रखना है इसे epsilon delta definition है continuity का, option b यहां पर correct आएगा. Next question, if f of x comma y is continuous at a point a comma b then, so f of x comma y continuous है अगर a comma b पर, तो हम कहेंगे लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू a कॉमा बी f ऑफ x कॉमा वाई एग्जिस्ट करेगी और ये इक्वल होगी f ऑफ a कॉमा बी के, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, लेट f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू दिस देन f इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन f इज डिसकंटिन्यूअस. तो यहां पर हमें चेक करना है f of x comma y origin पर continuous होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा limit x comma y tends to 0 comma 0 f of x comma y, ये limit exist करना चाहिए और इस limit की value भी 0 होना चाहिए तभी ये function origin पर continuous होगा. और अभी आज के lecture में previous questions में हमने discuss कर लिया है इस limit की value है 0, right? So इस limit की value है 0 और फंक्शन की वैल्यू 0,0 पर 0 है, राइट. तो ये दोनों ही क्वांटिटी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, f इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन. लेट f ऑफ x कॉमा y एंड g ऑफ x कॉमा y बोथ आर कंटिन्यूअस एट p0 a कॉमा b देन एट p0, सो f एंड g कंटिन्यूअस है इस पॉइंट p0 पर. तो ऑप्शन ए है f प्लस माइनस g इज कंटिन्यूअस, राइट. अगर f g कंटिन्यूअस है तो f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, राइट. ऑप्शन बी है f इंटू g कंटिन्यूअस, ये भी करेक्ट है, आपने ये चारों थ्योरम्स को प्रूफ भी किया होगा क्लास में. ऑप्शन सी है f अपॉन g इज कंटिन्यूअस इफ g इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है. तो राइट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन D. If f of x comma y has removable discontinuity at a b, then removable discontinuity से क्या मतलब है? अगर function हमारा discontinuous है, इसका मतलब क्या होगा? Limit x comma y tends to a comma b, f of x comma y is not equals to f of a comma b. तो अगर ये situation है, ये condition है, तो इसका मतलब function continuous नहीं होगा, discontinuous होगा. अब यहाँ पर भी दो condition हो सकती हैं. ये लिमिट एग्जिस्ट करे या फिर ना करे. तो अगर पहली कंडीशन है, सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन f ऑफ ab के इक्वल नहीं है, राइट. तो उस सिचुएशन में ये होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट. अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और नॉट इक्वल्स टू f ऑफ ab हो तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट. लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट, तब तो फिर इक्वल या होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, राइट. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस सिचुएशन में वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, राइट. तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के लिए हम क्या बोलेंगे, लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू ab f ऑफ x y एग्जिस्ट एंड इक्वल टू f ऑफ ab, नो इक्वल तो नहीं होगी, सो लिमिट दिस एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल टू दिस, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. लेट f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू दिस देन f इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन. ओवरऑल हमें चेक करना है फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिमिट चेक करना पड़ेगा, लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0,0 f ऑफ x y, हमें देखना है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी. अगर करेगी तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, राइट. तो हम चेक करेंगे. और इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको लिमिट चेक करना हो तो आप दो पाथ लेना और उन दोनों पाथ के लॉन्ग वैल्यू को डिफरेंट प्रूफ करना. तो लिमिट आ जाएगी पाथ डिपेंडेंट, फिर हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, राइट. और आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आंसर ये आएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी,
राइट। सो देखते हैं, अब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो वही सेम है, सेम कहानी है, दो पाथ लेना है। पहला पाथ लेंगे x इक्वल्स टू जीरो, तो अगर हम x इक्वल्स टू जीरो के अलाउंग कैलकुलेट करें तो x क्यूब को हम जीरो लेंगे, सो इस तरह से कुछ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा माइनस वाई क्यूब क्यूब, डिनोमिनेटर में भी x को जीरो रखेंगे तो यह आ जाएगा वाई क्यूब, और लिमिट अब यहां पर x नहीं है तो y टेंड्स टू जीरो, नाउ ये कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस वन। तो अगर हम x इक्वल्स टू जीरो के अलॉन्ग लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वह आएगा माइनस वन। अब अगर y इक्वल्स टू जीरो रखें तो उस केस में x टेंड्स टू जीरो, इस y को जीरो रखेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और ये हो जाएगा वन। तो इस केस में वैल्यू माइनस वन है, यहां पर वन है, तो आप कहेंगे डिफरेंट पाथ में लिमिट की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब लिमिट पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस होने का कोई चांस यहां पर नहीं है। ऑल राइट, तो ये फंक्शन ओरिजिन पर कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो ये है नॉन रिमूवेबल। जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो वो होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। राइट, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिस, व्हेन एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, एंड एफ ऑफ एक्स वाई जीरो व्हेन एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। राइट, सो एट जीरो कॉमा जीरो एफ इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कैन नॉट डिटरमाइन। ओवरऑल हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ओरिजिन पर जीरो जीरो पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम देखेंगे लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो कॉमा जीरो एफ ऑफ x कॉमा वाई एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। सो उसके लिए हम दो डिफरेंट पाथ चूज करेंगे। सपोज पहला पाथ हमने चूज किया x इक्वल्स टू जीरो, नाउ इस एक्सप्रेशन में x को जीरो रखेंगे सो ओनली y वाली टर्म्स रहेंगी, सो लिमिट y टेंड्स टू जीरो सिर्फ लिमिट y के लिए रखेंगे, x को हमने जीरो रख दिया। अब न्यूमरेटर में x को हम जीरो रखेंगे, डिनोमिनेटर में भी x को जीरो रखेंगे, तो आएगा जीरो प्लस y टू द पावर फोर, नाउ जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, सो x इक्वल्स टू जीरो के अलॉन्ग हमने लिमिट कैलकुलेट किया, उसका आंसर आया जीरो। एक दूसरा पाथ लेते हैं, सपोज x इक्वल्स टू y स्क्वायर के अलॉन्ग हम लिमिट कैलकुलेट करें, तो x को y स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर फोर अपॉन x को y स्क्वायर रखेंगे तो यहां पर x स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा y टू द पावर फोर प्लस y टू द पावर फोर। अब यहां पर सिर्फ y वाले टर्म्स हैं, सो लिमिट y टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो y टू द पावर फोर अपॉन टू y टू द पावर फोर। सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा वन बाई टू। तो पहले पाथ x इक्वल्स टू जीरो के अलॉन्ग लिमिट की वैल्यू जीरो है, दूसरा पाथ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर के अलॉन्ग लिमिट की वैल्यू 1 बाई टू है। तो डिफरेंट पाथ में लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये लिमिट पाथ डिपेंडेंट है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। राइट, सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो जीरो। इफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी इज दिस, टेलर सीरीज एक्सपेंशन यहां पर गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी। तो अगर आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन लर्न किया हो तो उसका सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म कुछ इस तरह से होगा एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो सेकेंड टर्म यहां पर कुछ इस तरह से गिवन है और सेकेंड टर्म ये होगा। राइट, सो बीटा को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर है। सो बीटा हो जाएगा कुछ इस तरह से, सही ऑप्शन आ जाएगा एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स, सो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। राइट, एक्स माइनस ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई। फर्स्ट टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन। सो एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन की पावर्स में इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स माइनस ए से और इसको वाई माइनस बी से, तो यहाँ ए इक्वल टू वन आएगा और बी भी वन आ जाएगा। नाउ टेलर सीरीज एक्सपेंशन की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा एफ ऑफ ए कॉमा बी होगी, ए भी यहां पर वन वन है,
तो इसका मतलब f ऑफ 1 ही फर्स्ट टर्म होगी, राइट। तो हमें f ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, f ऑफ 1, राइट। और f ऑफ x कॉमा वाई क्या कुछ गिवन है, तो ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। सो f ऑफ 1 क्या आएगा, x और y को 1 रखना है, सो 1 का क्यूब 1, यहां पर 3 आएगा और ये 4 प्लस 1, सो 7, 8 और 9। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन दिस एट 0,0 अप टू सेकेंड डिग्री टर्म, राइट। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर आपने लर्न किया हो तो उसमें आपको f ऑफ 0,0 निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, सो e टू द पावर 0+0, e टू द पावर 0 इज 1। अब अगर इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करें, डेल f अपॉन डेल x निकालें, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर जो भी है वो सेम आ जाएगा। अब x प्लस y को हम x के रिस्पेक्ट में करें तो 1 आएगा, राइट। सो डेल f अपॉन डेल x इस तरह से आएगा। अब हमें डेल f अपॉन डेल x निकालना पड़ेगा 0,0 पर, तो अगेन एक्स वाई को 0 रखेंगे, सो e टू द पावर 0 इज 1, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव भी 1 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करें तब भी ये सेम आएगा, e टू द पावर x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू भी 0,0 पर 1 ही आएगी, राइट। तो इस तरह से सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0,0 पर 1 आएगी। नाउ टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर f ऑफ x कॉमा वाई अप टू सेकेंड डिग्री टर्म एट 0,0, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू f ऑफ 0,0 प्लस x डेल अपॉन डेल x प्लस, अब यहां y माइनस b, लेकिन b की वैल्यू 0 है तो ओनली y लिखेंगे, डेल अपॉन डेल y, ऐसे यहां पर भी सिर्फ x लिखा हुआ है, राइट, f ऑफ 0,0। और थर्ड टर्म हो जाएगी 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर f ऑफ 0,0 प्लस एंड सो ऑन। हमें सिर्फ सेकेंड डिग्री टर्म चाहिए तो यहां पर स्टॉप करेंगे। नाउ जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सभी की वैल्यू 1 होगी, f ऑफ 0,0 की वैल्यू भी 1 होगी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा f ऑफ 0,0 इज 1, नाउ इसकी वैल्यू भी 1, सो यहां आ जाएगा x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, टेलर सीरीज एक्सपेंड्स अ फंक्शन इनटू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स into sum of finite terms, right? तो टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन है वो सम ऑफ फाइनाइट टर्म भी हो सकता है और इनफाइनाइट टर्म भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन एक्स वाई को एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगी, लेकिन अगर इस फंक्शन को हम एक्सपेंड करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो यहां पर हमें फाइनाइट टर्म मिलेंगी, राइट। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी हो सकता है और सम ऑफ फाइनाइट टर्म भी हो सकता है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। एंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूनिट 2, दैट इज एनवेलप, मैक्सिमा मिनिमा एंड लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।